मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। ठाणे महानगर पालिका के तरफ से जिस तरह से मुंब्रा में कोविड-19 की संख्या बढ़ते जा रही है उसको लेकर जो है कुछ योजनाएं बनाई गई हैं और मुंब्रा प्रभाग समिति में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उसी के संदर्भ में हम बात करेंगे। यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ मनपा अधिकारी मनीष जोशी। सर, किस तरह की जो है योजनाएँ जो बनाई गई, आज जानकारी दी गई है, तो उस योजनाएँ के बारे में जो है बताइए आप। देखिए, मुंब्रा में एज इट इज प्रशासन को कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए सब लोक प्रतिनिधि और जनता इसका सहकार्य मिल रहा है। लेकिन जैसे आप जानते हैं कि कोविड-19 की लड़ाई ये दिन प्रतिदिन, मतलब इसके अगेंस्ट जो लड़ाई है, इसके अगेंस्ट जो जंग है वो बढ़ता ही जा रहा है, लॉकडाउन पीरियड बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सहकार्य अगर प्रशासन को मिला तो डेफिनेटली प्रशासन कोविड-19 इस बीमारी के खिलाफ ये जंग जीत सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सहकार्य मिलने के लिए आज हमने एक योजना डिक्लेयर करी, उसका नाम है जीतेगा मुंब्रा हारेगा कोरोना। ये एक टैगलाइन है और इस टैगलाइन के अंतर्गत हमने दो कॉम्पिटिशन्स अरेंज किए हैं। पहला कॉम्पिटिशन है वो है स्लोगन राइटिंग कॉम्पिटिशन और दूसरा कॉम्पिटिशन है वीडियो मेकिंग कंपटीशन। इसके डिटेल्स तो मैंने आपको दे ही रखे तो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। आपके माध्यम से मैं मुंब्रा वासियों को अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इन दोनों स्पर्धाओं में भाग लें। जो यह योजना आप बता रहे हैं, ये योजना कब से शुरू होगी, लोगों को क्या देखना पड़ेगा, कितने वर्ड के स्लोगन होंगे और वीडियो एडिटिंग जो कितने सेकंड की रहेगी और क्या ऑनलाइन इस पर कौन सी ईमेल आईडी आपके तरफ से जारी की गई, कैसे लोग भेजेंगे, इस पर थोड़ा बताएं। देखिए, कैसा है कि ये अभी आपको पता है कि कोविड-19 है, आप घर से तो बाहर निकल नहीं सकते क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। ज़रा शेंडगे ने बोला है डिप्टी इंजीनियर लाभ है ना, तो इसीलिए आपने ऑनलाइन एंट्री करनी है। हमने एक ईमेल आईडी बना रखा है, उस ईमेल आईडी में आपने अपना स्लोगन भेजना है या आपने अपना वीडियो भेजना है। ये जो स्लोगन है ये 10 से 12 शब्दों का रहेगा, जो वीडियो है वो मैक्सिमम 30 सेकेंड्स का वीडियो रहेगा। हमने एक मार्किंग सिस्टम कर रखी है, 20 मार्क दोनों स्लोगन्स के लिए भी, एट द सेम टाइम वीडियो के लिए भी रहेगा। और हमने प्राइजेस भी डिक्लेयर कर रखे हैं दोनों कैटेगरी में। जो फर्स्ट प्राइज़ होगा उसे 7,000 रुपये का प्राइस है, कैश प्राइस फर्स्ट है। सेकंड को मिलेगा 5,000 का प्राइस और थर्ड को मिलेगा 3,000 का प्राइस। फर्स्ट का 7,000 रुपये। मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि ये जो टैग लाइन है जीतेगा मुंब्रा हारेगा कोरोना, इसके लिए भी मैंने एक कंपटीशन रखा था। मैंने लोगों से एंट्रीज मंगाई थी तो क्वीन मैरी स्कूल के जो हेडमिस्ट्रेस हैं मीनास खान मैडम, उनकी एंट्री फर्स्ट आई थी, इसीलिए उन्होंने जो टैगलाइन दी जीतेगा मुंब्रा हारेगा कोरोना, उसे हमने हमारे कंपटीशन की टैगलाइन रखी है। सर, ये कब से शुरुआत होगी? ये कल से शुरू होगी और आपको 7 दिन में अपनी सारी एंट्रीज आपने भेजनी। सर, इसके अलावा और दूसरी योजना? दूसरी योजना ऐसी है कि जैसे मैंने आपको बोला कि अगर ये लड़ाई है, इस लड़ाई में अगर हमें जीतना है तो लोगों का सहकार्य हमको मिलना चाहिए। आपको पता है कि मुंब्रा पुलिस जी जान से काम कर रही है, लेकिन हमारा मुंब्रा इतना बड़ा है, इतना डेंस है कि पुलिस भी कम पड़ जाती है और अतिक्रमण के विभाग का स्टाफ भी कम पड़ जाता है। इसीलिए हमने एक नई योजना निकाली जिसका नाम है कोविड वॉरियर्स की। कोविड वॉरियर वो है जो कि हर मोहल्ले में काम करने वाला एक लड़का है जो कि अपने से हटके अपने मोहल्ले के बारे में सोचता है। तो ऐसे जो लोग हैं जिनका हमने ट्रैक रिकॉर्ड देखा कि जो इसके पहले जितने भी संकट आए, डिज़ास्टर्स आए, उन सारे डिज़ास्टर्स में उन्होंने कैसे काम किया है, तो ऐसे 14 लड़कों को हमने अलग अलग उनके इलाके में ही उन्हें हम कोविड वॉरियर बोल के हम उनको आज उनको हमने सम्मानित किया। हर कोविड वॉरियर को एक प्रमाण पत्र दिया गया है और उसे अपने इलाके में कोविड-19 रिलेटेड जो फीवर हमको लेना होता है उसके लिए इंफ्रा रेड थर्मामीटर भी उसे दिया गया है। ये जो कोविड वॉरियर है ये अपने इलाके में 3-4 काम करेगा। पहला काम तो ये है कि अगर उसका एरिया कंटेनमेंट जोन है, शिंदे साहब, अगर उसका इलाका कंटेनमेंट जोन आ है तो कंटेनमेंट जोन की जितनी भी बैरिकेडिंग है वो उसने संभालनी है। दूसरा, उसके इलाके में सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो होना चाहिए। तीसरा, उसने अपने एरिया में फ़ीवर लेना है, फीवर की नोंद करनी है और अगर ज़्यादा फीवर है तो लोकल मेडिकल ऑफिसर को रिपोर्ट करना है। चौथा, अपने इलाके में लोगों को जो
एसेंशियल चीज़ें हैं, सब्जी है, दवाइयाँ हैं, किराना माल है, ये लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसके लिए उसने लोगों को मदद करनी है। सर इसके अलावा जो ईमेल आईडी, जिस ईमेल आईडी में आपने अपना स्लोगन और वीडियो भेजना है, शेनजी साहब जरा सांगा। जो ईमेल आईडी पे आपको भेजना है उसमें आपका नाम, मोबाइल नंबर और एड्रेस भेजना है, और आपका स्लोगन का एक स्लाइड और वीडियो क्लिप मैक्सिमम 30 सेकंड का भेजना है। उसका ईमेल आईडी है dmcumbra@gmail.com। सर इसके अलावा जो लोग कोरोना के जो पॉजिटिव मरीज थे उनके संपर्क में आए थे वो कहीं ना कहीं सामने नहीं आ रहे हैं, तो इसके लिए भी आप लोगों ने जो है एहतियात बरते हुए उनको सामने आने के लिए कहा है, अगर सामने नहीं आएंगे तो उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई आप करने की बात करें? वापस रिपीट कीजिए। जो लोग कोरोना पॉजिटिव के जो मरीज मिले हैं, है कि अभी तक ऑलमोस्ट 60 पॉजिटिव केसेस हो रखे हैं। हमारा जो मेडिकल डिपार्टमेंट है, हमारे तीनों मेडिकल ऑफिसर्स, वो फिर पेशेंट के पास जाते हैं, हाई रिस्क कॉन्टैक्ट और लो रिस्क कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन लेते हैं, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि कुछ लोग जो कि पॉजिटिव केसेस के नज़दीक थे वो रिपोर्ट नहीं कर रहे। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से उन सब लोगों को एक अल्टीमेटम है कि अगर आपने 3 दिन में रिपोर्ट नहीं किया खुद आके कि भाई हम इस पॉजिटिव पेशेंट के करीब थे इसीलिए हम हाई रिस्क कॉन्टैक्ट हैं या लो रिस्क कॉन्टैक्ट हैं, अगर उन्होंने 3 दिन में रिपोर्ट नहीं किया तो मैं उनको ये अल्टीमेटम दे रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ कि 3 दिन के बाद उनके अगेंस्ट जो एपिडेमिक एक्ट है, हमारा सीवियर एक्ट है, उसके अंतर्गत उन पर हम कार्रवाई करने वाले हैं। इसके अलावा आपने संजय नगर का उदाहरण दिया था, संजय नगर का उदाहरण मैंने ये दिया कि हमारे मुमरा में बहुत अच्छा अच्छा काम चल रहा है। संजय नगर एक ऐसा इलाका है कि जहाँ जैसे ग्रामीण भाग में गाँवबंदी जो बोलते हैं, उस सामाजिक बांधिल की ठेऊन वहाँ के लोगों ने अपना इलाका खुद बैरिकेडिंग कर दिया। TMC का इंतज़ार नहीं किया उन्होंने बैरिकेडिंग करने के लिए, उन्होंने कहा कि भाई हमने अपनी बाउंड्रीज बैरिकेडिंग कर दी, यहाँ ना कोई बाहर वाला आएगा, यहाँ ना कोई अंदर बाहर जाएगा। इसीलिए ऊपर वाले की दुआ से संजय नगर अभी भी COVID-19 फ्री है। तो हम ये चाहेंगे कि संजय नगर का मॉडल पूरे मुमरा वासियों ने अडॉप्ट कर रहा। जो इमारतों पर नोटिस देने के लिए आपने दिया, देखिए आपको पता है कि लोग बोलते हैं भिलवाड़ा, पूरे देश में भिलवाड़ा का उदाहरण दिया जाता है कि भिलवाड़ा ये जो ज़िला है राजस्थान में, उसने कोविड-19 पे कैसे जीत हासिल करी। मैं तो बोलता हूँ लोग भिलवाड़ा का एग्जांपल क्यों दे रहे, मेरे मुमरा में अमृत नगर का एग्जांपल दीजिए ना, कि जिस इलाके में 14 पेशेंट थे, 14 दिन के बाद एक भी पेशेंट नहीं था, वो क्यों हुआ? क्योंकि मेरे अमृत नगर के लोगों ने कुछ कठोर स्टेप्स खुद लिए, उन्होंने अपने बिल्डिंग को लॉक किया, 62 बिल्डिंग्स के चेयरमैन ने अपनी बिल्डिंग को लॉक किया। तो अगर मेरे अमृत नगर के लोग ये काम कर सकते हैं तो और मुमरा वासी क्यों नहीं कर सकते? इसीलिए आज हमने हर मुमरा वासी, ऑलमोस्ट 600-700 बिल्डिंग्स हैं, उनके चेयरमैन को हमने एक नोटिस दिए कि आप अपने बिल्डिंग को लॉक कीजिए, चाबी अपने पास रखिए, एंड सी टू इट कि आपके बिल्डिंग के लोग अननेसेसरीली बाहर जाएंगे नहीं। कल एक घटना हुई थी, बाईपास पे एक्सीडेंट हुआ था, उन घायल लोगों को जो है बुरहानी हॉस्पिटल ले जाया गया, प्राइम क्रिटिकल में ले जाया गया, लेकिन उन लोगों ने हाथ तक नहीं लगाया, जबकि उनको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन रहमानिया हॉस्पिटल ने थोड़ा उनको जो है फर्स्ट एड किया, उसके बाद जो है फिर कालशेखर में उन्हें इलाज किया गया। नहीं, बात ऐसी है कि सारे हॉस्पिटल्स ओवरवर्कड हैं, मैं ऐसे बोल नहीं रहा हूँ कि जिन हॉस्पिटलों ने लिया नहीं उन्होंने ठीक किया, गलत किया, लेकिन आज हॉस्पिटल्स पे बहुत लोड है। जिन हॉस्पिटल्स ने पेशेंट को ट्रीटमेंट देने से नकारा उन्हें नोटिस इशू की जाएगी, उनसे एक्सप्लेनेशन लिया जाएगा। बुरहानी हॉस्पिटल और प्राइम ने तो उनको फर्स्ट एड भी नहीं दिया और ब्लड लगातार बहते जा रहा था। आई विल टेल द लोकल मेडिकल ऑफिसर टू इशू अ नोटिस टू देम, डोंट वरी। तो आपने सुना कि जिस तरह से जो मनपा अधिकारी मनीष जोशी है उनका साफ तौर पे कहना है कि मुमरा में जिस तरह से लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे थे उनको लेकर अब जो है कदम सख्त उठाए जाएंगे। हालांकि यहां पर जो है कुछ जो है COVID-19 वॉरियर भी सिलेक्ट किए गए हैं जो अपने अपने एरिया वाइज में वो लोग मौजूद रहेंगे। और कैमरामैन सलमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।